नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2018 का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का नाम टॉप वन में नहीं है, लेकिन तीसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी का नाम है। मथुरा की ज्योति शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए ज्योति शर्मा के बारे में बताते हैं। ज्योति शर्मा मथुरा के मांड तहसील के गाँव तुलागढ़ी की रहने वाली है। ज्योति के पिता देवेंद्र कुमार शर्मा पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल हैं। फिलहाल परिवार के साथ लखनऊ के अलीगंज में रहते हैं। परिवार का कहना है कि उनकी बड़ी बेटी ज्योति शर्मा बचपन से ही तेज बुद्धि की रही हैं। ज्योति ने स्नातक की पढ़ाई लखनऊ के ITPG कॉलेज से की थी। उसके बाद 2017 में उन्होंने PCS की परीक्षा दी। अपने पहले ही प्रयास में BDO के पद पर चयनित हुई। फिलहाल ज्योति अयोध्या जिले के ब्लॉक मिल्कीपुर में BDO के पद पर तैनात है। लेकिन ज्योति यही नहीं रुकी, उनके इरादे तो कुछ और ही थे। ज्योति ने फिर नए सिरे से तैयारी की और 2018 में फिर PCS की परीक्षा दी। अपने इस दूसरे प्रयास में ज्योति ने PCS की ग्रेडिंग लिस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त कर SDM बनेगी। उनकी इस सफलता की जानकारी मिलने पर उनके परिवार सहित लखनऊ में पड़ोसी और उनके पैतृक गाँव तुलागढ़ी में हर्ष का माहौल है। ज्योति शर्मा ने अपनी सफलता के लिए बड़ा योगदान अपने परिवार को बताया है। ज्योति शर्मा ने बताया कि उनकी माँ हाउसवाइफ है, छोटी बहन ONGC में वैज्ञानिक है, जबकि सबसे छोटा भाई वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। ज्योति ने कहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेरणा अपने पिता से ली है। पुलिस विभाग में उनके पिता ने बहुत मेहनत की है और उनके मेहनत देखकर ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उन्होंने बताया कि नौकरी के साथ साथ पढ़ाई में कई मुश्किलें भी आई, लेकिन लक्ष्य तय करके पढ़ाई से सब कुछ संभव है। उन्होंने बताया कि नौकरी के साथ जब भी मौका मिलता था तो वो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करती थी और इसी का फल इस बार ज्योति को मिला और टॉप 3 में ज्योति ने अपना नाम दर्ज कराया। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।